Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Styler SolidWorks tutorial series. So friends, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस मॉडल की, इसको बोलते हैं क्रॉस लोटेड स्क्रू ड्राइवर। सो क्रॉस लोटेड स्क्रू ड्राइवर बनाने के लिए हमें दो पार्ट्स की नीड है, एक तो हमारे पास हैंडल है और एक हमारे पास ब्लेड है। तो इन दोनों पार्ट्स के हमारे पास डायमेंशन इस तरह से दे रखी है। सो एक हमारे पास हैंडल है, इसका साइड व्यू और इसका टॉप व्यू यहाँ से दे रखे है, और जो इसके थ्रेड की डिटेल्स है वो यहाँ दे रखी है। और ब्लेड है हमारे पास, ब्लेड की डायमेंशन, साइड व्यू और फ्रंट व्यू इस तरह से दे रखे है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको हैंडल को बना लेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये दोनों पार्ट्स किस तरह से बनेंगे। सो फ्रेंड्स, जो इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये हैंडल दे रखा है, इसकी 85 लेंथ दे रखी है यहां से, तो हाफ बनाएंगे, इसको रिवॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो हाफ बनाने के लिए एक 85 की लेंथ है मेरे पास, और यहां से ये वाली जो लेंथ आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है, 16 आ रही है। सो हाफ ले लेंगे 8, यहां से 1 mm आ रहा है, और यहां से ये वाला स्केच ड्रॉ कर लेंगे, और इसका एंगल जो है हमारे पास 40 डिग्री का आ गया, और देन इसकी जो यहां से यहां तक लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 21 आ रही है। तो इन सबको बना लेंगे हम सबसे पहले। सो यहां से हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, ये चीज पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं और इसको डिफाइन कर लेते हैं। 85 की लेंथ आ रही है हमारे पास, यहां से हमारे पास 16 का टोटल लेंथ थी, तो यहां से हाफ ले लेंगे 8, और इसकी डायमेंशन कितनी थी, 1 mm। क्लियर है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ये चीज ड्रॉ करेंगे, ये चीज ड्रॉ करेंगे, और सेंटर लाइन से हम इस पार्ट को मिरर कर लेंगे, ये वाली जो लाइन आ रही है ये चीज। सो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री, और इसकी विड्थ हमारे पास कितनी है, 3 mm की। सो ये विड्थ हमारे पास 3 mm की हो जाएगी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 है, तो उसका हाफ कर देंगे तो 10.5, तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। नाउ यहां से अब थ्रेड की बारी आती है, तो थ्रेड हमारे पास यहां से इसकी डिटेलिंग दे रखी है, तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 6.04। सो पहले तो लेंथ ले लेंगे, ठीक है, और 6.04 आने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो 0.4 का एक रेडियस दे रखा है, 0.23 का एक रेडियस दे रखा है, तो 0.4 वाला जो है 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल्स दे रखे हैं, तो इस पैटर्न को हम बना लेंगे। तो 0.1, 0.1 दोनों साइड से हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, तो यहां से सबसे पहले हम ले लेंगे सर्कल एक, जिसका डाया हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.4 है, तो डाया हमारे पास 0.8 हो जाएगा, और आप देख सकते हो 0.1, 0.1 का दोनों साइड से मार्जिन है। सो अगर हम इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 प्लस 0.4 कितना आ जाएगा, 0.5, तो ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया। ना उसको लीनियर पैटर्न कर लेंगे, और इनके बीच में पिच दे रखी है 1.6 की, तो 1.6 की पिच क्रिएट कर लेंगे, और एंटिटीज कितनी चाहिए हमें, 5, और ऑब्जेक्ट कौन सा हमारे पास, ये। सो इस तरह से आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एक सर्कल और लेंगे, और जिसका रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, 0.23, और डाया अगर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, लो जी। अब इन दोनों को टेंजेंट कर देंगे, कंट्रोल दोनों को प्रेस करेंगे, टेंजेंसी क्रिएट कर देंगे, और देखिए दूसरी साइड भी हमारे पास टेंजेंट क्रिएट हो चुके, तो फिर भी हम टेंजेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास लीनियर पैटर्न आएगा, ये भी सर्कल जाएगा, और इनकी भी पिच सेम रहेगी 1.26 की, और एंटिटीज कितनी जाएंगी, 4, ये देखिए। क्लियर है।
सो इस तरह से हमारे पास ये जो थ्रेड है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हमें ट्रिम करना है इसका अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट, ठीक है। तो ट्रिम करेंगे इसका अपर पार्ट, इसका लोअर पार्ट। इस तरह से तो हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा। नाउ इसके बाद हमने क्या क्रिएट करना है, यहां पे हमारे पास 9 की लेंथ पे एक रेडियस दे रखा है 17.45 का। तो एक लेंथ ले लेंगे हम, और ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है, 21 का, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 2, 10.5, ठीक है। और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, टोटल 9 दे रखी है, सो 9 ले लेंगे। क्लियर है। यहां से हम एक आर्क क्रिएट कर लेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, तो जिसका रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, 17.45। तो 17.45, सो इस तरह से आपके पास ये आर्क आ जाएगी ना। उसके बाद ये लेंथ ले लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। सो इसको ट्रिम कर दीजिए, और यहां से हमारे पास लेंथ आ जाएगी यहां तक। सो मेक श्योर कि ये स्ट्रेट हो, और यहां से हम ये चीज ज्वाइन कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 0.1 का रेडियस भी आ रहा है कॉर्नर पे, तो 0.1 का रेडियस लगा लेंगे। 0.15 का, सॉरी 1.5 का रेडियस है, सो 1.5 का रेडियस आ जाएगा यहाँ पे। ओके कर देंगे। नाउ यहां से अब हम क्या बनाएंगे, देखिए इसके लिए हमें यहां से होल भी चाहिए, ठीक है। तो होल बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो शाफ्ट आ रही है हमारे पास, डाया कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है, ठीक है। और यहां से आपके पास लेंथ दे रखी है 70 की, तो ये हम पहले ले लेंगे यहाँ पे। सो इसको दोबारा एडिट करते हैं, और यहां से हमारे पास एक लेंथ आ जाएगी इस तरह से। तो इस पूरे की लेंथ कितनी है हमारे पास, 70, और डिस्टेंस कितना है, अगर 6 है तो हाफ ले लेंगे, 3 mm, और इसको हम यहां से क्लोज कर देंगे। नाउ ट्रिम कर देंगे हाफ, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इतना हमारे पास बनने के बाद अब हम इसे रिवॉल्व कर लेंगे सिंपली। सो स्केच फीचर रिवॉल्व सेंट्रल एक्सिस, ओके। सो हमारे पास इस तरह से ये रिवॉल्व हो चुके हैं। और अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहां से इस फ्रंट प्लेन से हम ये स्केच बनाने के बाद इसको कट कर देंगे। तो फ्रंट फेस पे चले जाते हैं, स्केच कर लेते हैं, सर्कल आ जाएगा 10.5 का। सो 10.5 का रेडियस है, डाया कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 10.5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये डाया हो गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास सेंटर से डिस्टेंस दे रखे इसके सेंटर तक का 19। सो इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखे है, 19। सो ये हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, और हमारे पास कन्वर्ट एंटिटी क्या हो जाएगी, ये चीज आउटर सर्कल जो है हमारे पास कन्वर्ट एंटिटी हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न क्रिएट करेंगे। सर्कुलर पैटर्न में हमें कितने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हमें 6 एंटिटीज चाहिए। सो सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, और एंटिटी कितनी चाहिए हमें, 6। सो इस तरह से ये हो जाएगा। नाउ इसको हम ट्रिम कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ इसमें फिलेट क्रिएट करेंगे 1.5 की, सो फिलेट आ जाएगी 1.5 की।
ये चीज क्लियर है। तो इस तरह से हम ये सारा स्केच बनाने के बाद अब कट कर लेंगे। सो हमारे पास अभी एक्सट्रूड कट होगा, तो कटिंग के लिए हमारे पास ये कंटिगर हो जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सो इसको हम क्या करेंगे, थ्रू ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये कट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास लॉक की होगी, तो लॉक की हमें बनाना है, यहाँ पे बनाना है और उसको कट करना है, ठीक है। तो लॉक की हमारे पास डायमेंशन ये दे रखी है, तो हम ले लेंगे इसका फ्रंट प्लेन। क्लियर है। तो इसको हम वायर फ्रेम में ऑन कर लेते हैं और एक स्लॉट बना ले, रेक्टेंगल बना लेंगे। यहां पे और यहां से लेकर यहां तक का जो हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 mm। सो यहां से हम 4 mm का डिस्टेंस ले लेंगे। ओके नाउ इसकी विड्थ हमारे पास कितनी दे रखी है, 3, और हाइट दे रखी है 14, और रेडियस लगा रखा है यहाँ पे 1 1 mm का। तो एक सेंटर लाइन लेंगे हम यहां से, और दोनों की जो हाइट है वो कितनी आ रही है, 14 आ रही है। सो यहां से 14 mm का डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। देन कंट्रोल प्रेस करेंगे, दोनों साइड्स को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और यहां से हम क्या कर देंगे, सिमेट्रिक कर देंगे ये चीज, ठीक है। अब इसकी विड्थ हमारे पास कितनी आ रही है, 3 mm की विड्थ आ रही है हमारे पास, यस। और अब इन सभी कॉर्नर में 1 1 1 mm का रेडियस लगा हुआ है। सो 1 mm का रेडियस लगा लेंगे सभी कॉर्नर में। क्लियर है। तो ये चीज बना ली हमने, अब इसको क्लोज कर देंगे और ओके कर देंगे, और यहां से अब हम कट लगाएंगे। सो स्केच एक्सट्रूड कट, और यहां से कितने एम का कट लगाएंगे, 2 mm का कट। सो 2 mm यहां पे कट रहेगा, और वो भी मिड प्लेन से। ओके कर दीजिए, और यहां से आप इसको बैक टू शेड में ले आइए, और यहां से हम इसकी अपीरेंस चेंज कर देते हैं। बॉडी है पूरी, पूरी बॉडी की अपीयरेंस चेंज करेंगे, और यहां से हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला। इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। क्लियर हमारे पास ये हैंडल है, हैंडल क्रॉस लोटेड स्क्रू ड्राइवर, ये हमारे पास हैंडल है। इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं, सेकंड पार्ट, जो कि ये वाला है हमारे पास। यहाँ पे इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं 160, और इसका डाया हमारे पास दे रखा है 6 mm का। हाफ बनाएंगे और रिवॉल्व कर देंगे। यहाँ से हमारे पास डायमेंशंस दे रखी हैं 1.5, इसकी ये टिप है, और ये एंगल दे रखा है 20 डिग्री का। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। कंट्रोल न्यू, पार्ट मॉडलिंग में चले जाएंगे, और यहां से हम इसको सिंपली इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बना लिया, अब इसको क्या करेंगे, इसकी डायमेंशंस देंगे। टोटल जो हमारे पास डायमेंशन है वो कितनी है, 90, सॉरी 160 है। 160 टोटल डायमेंशन है। इसको चाहे तो आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इसका डाया, डाया 6 है, सो हाफ लेके चलेंगे 3, और देन इसको अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे यहां से
एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास ये टिप आ रही है। टिप का साइज जो है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 1.5, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है 1.5, और एंगल जो है वो 20 डिग्री का है। सो यहां से हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखना। ये हम लेंथ लेके चलते हैं और यहां से हमने इसको फ्री एंड पे रखना है। सो ये डायमेंशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल 1.5 है और उसका हाफ कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ये एंगल हमारे पास कितना आएगा, 20 डिग्री का, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम ट्रिम कर देंगे यहां से भी और यहां से भी। सो ये हमारे पास एक शेप क्रिएट हो गई है, इसको हम रिवॉल्व कर लेंगे। सो रिवॉल्व करेंगे, सेंट्रल एक्सिस आपके पास ये है, यहां से हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे और इस तरह से आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास इसका फ्रंट व्यू दे रखा है, तो यहां से हम इसकी टिप क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहां से हमें ये प्रोफाइल बनानी है और दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 120। अगर इसको थोड़ा सा और जूम करके देखा जाए तो यहां से आपको दिखेगा कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 0.33 है। तो मैं बता देता हूं आपको कौन सा डिस्टेंस है वो। सो इसकी फेस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं और यहां से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चीज है, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये चीज क्लियर है। इसको हम कन्वर्ट एंटिटी कर लेंगे जो बाहर वाला सर्कल आ रहा है, और अदरवाइज नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कटिंग करनी है तो साइज यहाँ पे जो मर्जी लेके चल सकते हो। मैं थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेता हूँ सर्कल का, इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो कितना था, यहां से लेकर यहां तक 0.33, और यहां से भी हम इसको कन्वर्ट एंटिटीज कर लेंगे और यहां से हम इसको ट्रिम कर देते हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा ये वाला, ये कितना आना चाहिए, 0.33, ठीक है। ये चीज हमारी क्रिएट होगी ना। इसके बाद हम सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे और यहां से इसको सिमेट्रिक करेंगे, सेंटर लाइन के साथ सिमेट्रिक करेंगे ये चीज। और अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120। उससे पहले हम यहां से हम क्या कर लेते हैं, इस लाइन को रिमूव कर लेते हैं और इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 120। और ये लाइन जो है मस्ट बी स्ट्रेट होनी चाहिए। सो जब इस लाइन को आप स्ट्रेट करोगे तो इस तरह से आपके पास ये कर्व आ जाएगा, और अब इसको आप ट्रिम कर सकते हो इस तरह से, ये चीज, ठीक है। ये आपके पास कर्व आ गया, ये स्केच आ गया आपके पास। और देन अब इसको आप क्या करोगे, टॉप प्लेन पे चले जाओगे और यहीं पे आपने स्केच एक क्रिएट करना है, और यहां से लेकर यहां तक ये देखो 15.58, ठीक है। और वो भी आपको टेपर लेके जाना है सेंटर लाइन से यहां तक। सो कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले इसको, ओके कर लेंगे और यहां से हम कर लेंगे ट्रिम, और इस लाइन को भी हम ट्रिम कर लेंगे ताकि इसका और यहां से लेकर जो डिस्टेंस आ रहा है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकें, कितना आ रहा है, 15.58। सो कितना आ रहा है, 15.58। सो ये डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास ना। यहां से हम क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे और यहां से अब करेंगे स्वीप कट। सो स्वीप कट करेंगे, हमारे पास प्रोफाइल कौन सी आ रही है, ये वाली, पाथ कौन सा आ रहा है, ये वाला, और यहां से इसको हम कट कर देंगे, ये देखो इस तरह से ये कट हो जाएगा ना। इसको हम क्या करेंगे, रेफरेंस एक्सिस से पैटर्न कर देंगे। हमें कितने पैटर्न चाहिए इसके, 1, 2, 3 और 4। सो 4 पैटर्न चाहिए, तो यहां पे सर्कुलर पैटर्न कर लेंगे। एक्सिस हमारे पास ये आ रही है, फीचर हमारे पास स्वीप कट आ रहा है,
और यहां से फोर आइटम्स जो हैं वो डिफॉल्ट आ रही है, तो इस तरह से आपके पास ये जो है ब्लेड आ जाएगा और ये कट भी हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास फ्रंट प्लेन पे एक चीज और आएगी जो हमने हैंडल में कट की थी और यहां पे हम एक्सट्रूड करेंगे। सो हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज, जैसे कि आपने यहां पे ये देखो, ये जो आपके पास लॉक की आ रही है वो यहां पे आप बनाओगे और उसका डिस्टेंस आप देखोगे यहां से यहां तक कितना आ रहा है, 4, और जो टोटल हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 14 आ रही है। सो सेंटर लाइन से आप इसको सिमेट्रिक कर दोगे। सो यहां से आप इसे सिमेट्रिक कर दीजिए और उसके बाद यहां से यहां तक की इसकी जो विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 mm, और यहां से आप फिलेट भी दे सकते हो। सो फिलेट कितने की है, 1 mm की है। ओके कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और यहां से ये देखो बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, तो इस स्केच को आप एक्सट्रूड करोगे कितना, ये देखो 2 mm दे रखा है, तो 2 mm इसको एक्सट्रूड करोगे मिड प्लेन से ताकि बिल्कुल सेंटर पे ही रहे। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी शाफ्ट आपके पास बन गई है, इस शाफ्ट को भी हम सेव कर लेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर लेंगे। कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको। और इसके बाद अब हम असेंबली कर लेंगे। सो असेंबली के लिए आपको पता है यहां पे दो आ रहे हैं, एक आ रहा है ये हैंडल और एक आ रहा है शॉफ्ट ब्लेड, तो इन दोनों को आप यहां पे वन बाय वन इंपोर्ट कर लीजिए। और इसके बाद अब क्या करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है यहां पे कि हमारा प्लेन जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है। क्योंकि हमें इसका सेक्शन व्यू देखना पड़ेगा और ये वाली जो की आ रही है उसको उसके साथ मैच करना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये शाफ्ट तो कहीं पे भी मेट हो सकती है, बट मुझे चाहिए कि ये जो की है उसके साथ मेट होनी चाहिए प्रॉपर, तो मैं इसका सेक्शन व्यू लेके चलूंगा। उसके लिए मुझे एक प्लेन चाहिए। प्लेन को मैं थोड़ा सा, अब मुझे वैल्यूज नहीं पता है, तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। देखो ये 70 में यहां तक आ रहा है, हल्का सा और लेके चलेंगे, देखो 75 में ही यहाँ पे आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ही सेंटर सेंटर पे आ रहा है। एक दो एम और बढ़ा के देखते हैं, ये आई थिंक बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। तो इस प्लेन के रेफरेंस से हम इसका सेक्शन प्लेन ले लेते हैं और यहां से हम इसको, ये देखिए अब हमारे पास सेक्शन व्यू आ चुका है इसका, और यहां से हम इसको इजीली असेंबल कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, डाया, विद डाया ये हो जाएगा, और अप्रोक्स देखिए, अब ये हमारे पास जो शाफ्ट है ना ये बिल्कुल इसके साथ अलाइन ही जा रही है। अगर आपके पास मतलब ये और ये परपेंडिकुलर हो या अलग अलग एंगल पे हो, ठीक है ना, तो आप इसको हाफ सेक्शन से बना सकते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पे हाफ सेक्शन से दिख रहा है कि एक ही प्लेन पे अगर मैं इसको डाया इस फेस को या इस फेस को भी मेट कर दूंगा तब भी ये अलाइन हो जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए ये शाफ्ट रोटेट हो गई है किसी एंगल पे, तो आप इसको हाफ सेक्शन बना के असेंबल कर सकते हैं, ठीक है, इजिली। तो यहां से इसको हम ऑफ कर लेंगे और इस तरह से आपके पास ये जो ब्लेड है और ये जो क्रॉस लोटेड स्क्रू ड्राइवर है ये इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ड्राइंग और डिजाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से आपने ये क्रॉस लोटेड स्क्रू ड्राइवर बनाना है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बना के देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसका रेंडर किस तरह से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ओके सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।